लव विवाह ही किया और कागजी ही करवाया। हाँ। कागजी मतलब कागज, सर्टिफिकेट। हाँ तो फिर झूठ क्यों बोल रही, तुम भी कम नहीं हो। तुम्हारा पति भी तीन औरतों के चक्कर में है, एक के चक्कर में तुम पकड़ चुकी हो, उसी बात सही है जी बाबा। हाँ, अब तुम भी सुधरो, तुम्हारा खसम भी सुधर जाएगा। मेरा पति माफिया, मेरा पति गुंडा, मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोला। हाँ। मेरे बारे में झूठ में बोल दिया। हाँ। बाबा मान, अगर बाबा है तो मैं यहाँ गाली दे रही, मुझे पकड़वाए कि मैं जिस लड़की का पर्चा बनाया हूँ वो लड़की मुझे वहाँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अपनी प्यारी प्यारी सी मुस्कुराहटों को हर तरफ बिखेरते रहें। आज मैं आपके सामने जिस वीडियो पे रिएक्शन दूंगी, उसमें एक भगेश्वर धम नामी पंडित लोगों से कहता है कि मैं उनको उनके मुस्तकबिल के बारे में बता सकता हूँ। तो क्या कोई इंसान किसी के हाथ की लकीरों को देख कर उसका मुस्तकबिल बता सकता है? क्या किसी को भी गैब का इल्म है? तो मेरा इस बारे में जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही गलत बात है। एक हिंदू औरत उस पंडित के पास जाती है और कहती है कि मेरा शौहर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो दूसरी औरतों के साथ ताल्लुक रखता है। तो पंडित उससे कहता है कि तुम खामोश हो जाओ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा शौहर कैसा है। वो कहता है तुम्हारा शौहर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसका तीन औरतों के साथ चक्कर है और यहाँ तक कि वो नशा भी करता है। लेकिन जब वो औरत चली जाती है और बाद में उसका एक क्लिप वीडियो हमें देखने को मिलता है, तो उसमें कहती है कि वो पंडित मेरे शौहर के बारे में बिल्कुल गलत कह रहा था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई इंसान किसी को देखे बगैर, जाने बगैर उसके बारे में बता सके। तो इस बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या जवाब दिया है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बाबा जी, हमारे शादी का 4 साल हुआ, हमारे पति जो है और लड़कियों से संबंध रखते हैं, चोरी डकैती छिनैती सब करते हैं और हमारे तलाक की अर्जी डाल दी। मेरे माँ बाप बहुत पैसा लेकर मेरी शादी की है लेकिन कोई सुख। लव विवाह ही किया और कागजी ही करवाया। हाँ। कागजी मतलब कागज, सर्टिफिकेट। हाँ तो फिर झूठ क्यों बोल रही, फिर हम और आगे बढ़ेंगे फिर बुरा लग जाएगा। तुम भी कम नहीं हो, तुम्हारा पति भी तीन औरतों के चक्कर में है, एक के चक्कर में तुम पकड़ चुकी हो, उसी बात सही है जी बाबा। हाँ, अब तुम भी सुधरो, तुम्हारा खसम भी सुधर जाएगा। हम देखो, हम फिर इसीलिए तो कहते हैं कंट्रोल रहना जी। वरना हमारा वाईफाई चालू हो जाता है तो बंद नहीं होता जी बाबा जी। अब सुधर जाना, तुम्हारी शिकायत ना मिले हमें। मेरा पति माफिया, मेरा पति गुंडा, मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोला। हाँ। मेरे बारे में झूठ में बोल दिया। हाँ। बाबा मान, अगर बाबा है तो मैं यहाँ गाली दे रही, मुझे पकड़वाए कि मैं जिस लड़की का पर्चा बनाया हूँ वो लड़की मुझे वहाँ बैठ के गाली दे रही है, तब तो मैं जो कहेंगे वो हार जाऊंगी। ऐसी माँ बाबा बहुत देखे आया, इनका भी कुछ दिन में लापता, जेल में रोटी तोड़ेंगे। मेरा नाम सुदीप चौधरी है। मैं सवाल करना चाहता हूँ कि जो पंडित लोग हाथ की रेखा और राशि से देख के जो भविष्य बताते हैं वो सही है या झूठ, क्या उनको ऐसा करना चाहिए या नहीं? भाई साहब का सवाल है कि जो पंडित लोग हाथ की रेखा देखते हैं और कुछ कहते हैं, जो ज्योतिष होते हैं, वो सही है क्या गलत है? ये जो है ना, ये सब ढोंग है, अक्सर बकवास है। क्यों? ये साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। मिसाल के तौर पर आप जाएंगे पूछेंगे, वो पंडित कहेगा या मशीन कहेंगी कि आपके साथ 10 रोज में कुछ गलत होने वाला है। 100 अच्छा भी होगा तो एक गलत तो होगा ना। फिर दूसरे मशीन पे जाएंगे तो वहां लिखा है कि 10 दिन में आपके साथ कोई अच्छा काम होने वाला है, 10 चीज गलत होगी, एक तो अच्छा होगा। एक मिसाल दूंगा मैं आपको। अमेरिका में एक साइकोलॉजी प्रोफेसर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, एक हफ्ते बाद कहता है कि मैं आपके बारे में लिखूंगा चिट्ठी पे, हर स्टूडेंट के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में लिखूंगा, लेकिन आप चिट्ठी को बंद रखो, एक साथ चिट्ठी खोलो और नंबर दो कितने फीसद में सही था। तो सब बच्चे, 100 बच्चे थे, अपनी चिट्ठी खोलते, उसमें से आता है कि मोर देन 95% ऑफ द स्टूडेंट सेड दैट द टीचर वॉज मोर देन 90% करेक्ट। 95% जो थे तालिबे इल्म उन्होंने कहा 90% से ज्यादा जो प्रोफेसर ने लिखा है वो सही लिखा है। इसका सीक्रेट है कि प्रोफेसर ने सब 100 बच्चे लोग के लिए वही चीज लिखा।
ये आम बात है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, ये रेखा देखना। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या लजीन आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसरु वल अंजाबु वल असलामु, डेडिकेशन ऑफ स्टोन्स, डिवाइनेशन ऑफ एरोस, बुत परस्ती और फांसे फेंकना, रिश्त में मिली शैतान, ये शैतान के हटकंडे है, रिश्त में मिली शैतान, फजतनिबुल्लकुम तफलीउन, और आप इससे बचो ताकि आप फला पा सको। तो ये फांसे फेंकना, ज्योतिषगिरी, ये हराम है, शैतान के हथकंडे, आप इससे बचो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? हाँ गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है अल्लाह के? नहीं, मैं ये जानने के लिए कुरान का हिंदी तर्जमा चाहता हूँ। इंशाल्लाह आप जो भी जबान पे आपको महारत है, हिंदी जबान पे तो हिंदी तर्जुमा लीजिए, मराठी जबान तो मराठी में लीजिए, आप यहाँ आ सकते हो, तर्जुमा ले सकते। और मैं दरख्वास्त करूंगा आपसे कि तर्जुमा पढ़िए, इंशाल्लाह इस तर्जुमे के बाद हिदायत पाएंगे और इंशाल्लाह आपको सही राह दिखेंगे इंशाल्लाह। आई एम मिस डी मैकडोनल्ड, आई एम अ स्टूडेंट एंड आई हैव टू क्वेश्चंस टू आस्क ऑफ यू प्लीज। द फर्स्ट वन इज, इन वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स ऑफ द कुरान इट इज रिटन दैट इफ अ वुमन डिसोबेज हर हस्बैंड ही इज गिवन फुल परमिशन टू बीट हर एंड कीप हर लॉक्ड अप इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, thus withholding her from any intimacy until she toes the line following whatever he says. If this is the punishment for women, where is the equivalent punishment for the men when they have wronged their women? And my second question is, if you could... Sir, one question, I'll answer that, then we'll come to the next question, inshallah. I have to give you two opportunities because the earlier question was missed. Behan ne sawal kiya hai ki Islam mein, Quran mein likha hua hai ki marad ko ijazat hai ki wo apni पत्नी को बेहद मारे, मार सकता है, तो क्या ये सही है? लेकिन अगर शोहर ऐसा करे तो क्या बीवी को परमिशन है उसे मारने की? ये उसका सवाल था। जो बहन सवाल कर रही है वो कुरान मजीद की एक आयत का हवाला दी ने उनने, मैं देना चाहता हूँ सूरह निसा का सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34 में, जहाँ लिखा हुआ है कि अगर बीवी शोहर की बात नहीं मानती, कुछ हराम करती या नाफरमानी करती है, तो पहले शोहर बीवी को प्यार से समझाना चाहिए, नहीं समझती है तो उसको डांटी दे सकता है, उसके बाद बिस्तर पे नहीं साथ में रहना चाहिए, यानी इट्स अ ग्रेटर पनिशमेंट, पहले प्यार से समझाओ फिर डांटी दे के बोलो, फिर बिस्तर पे मत सो साथ में। उसके बाद अरबी लफ्ज दरबा, आप उसको लाइटली मार सकते हैं, और हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये लाइट मारना की मिसाल है कि मिसवाक से मांगना, मिसवाक मतलब नॉट टूथब्रश, टूथब्रश से आप पीट भी सकते, होता ना हैंकरचीफ या रुमाल से मारना, इट इज अ सिंबॉलिक बीटिंग। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब आप बीवी को मारे तो कभी चेहरे पे मत मारो, ऐसा मत मारो कि निशान रह जाए, उसका मतलब ये मारना सिर्फ एक चेतावनी है, कह रहा है आप लिमिट के बाहर जा रही है, तो ये मानना इज मोर ऑफ अ सिंबॉलिक बीटिंग, इट इज नॉट अ फिजिकल पेन। वो शोहर जब बीवी को मारता है उसको दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मार रहा है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा कि चेहरे पे मत मारो, निशान नहीं आना चाहिए, उसका मतलब आस्ते से मारो, क्यों? मतलब ये आप अपनी हद पार कर चुकी है, ये अल्टीमेट वार्निंग है। लेकिन उसी तरीके से अगर शोहर बीवी को अपना हक नहीं दे रहा है उस वक्त ये सेम नहीं हो सकता, क्यों? अगर बीवी शोहर को मारेंगी तो शोहर थोड़ी बीवी को छोड़ेगा, कि कुरान की आयत है उसके पहले ही सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34 में कि मर्द के पास ज्यादा ताकत है, लेकिन उसको इख्तियार है कि अगर शोहर उसको हुकूक नहीं दे रहा है वो शोहर से प्यार से बात करे, आप क्यों मुझे हुकूक नहीं दे रहे? अगर नहीं मानता है तो आर्बिट्रली क्या हो, शोहर के तरफ से एक बड़े को बुलाओ, बीवी के तरफ से बुलाओ, बैठ के बात करो, फिर भी नहीं होता है, हुकूक नहीं दे रहा है, तो वो जाके काजी के पास निकाह फस्क कर सकती है। निकाह फस्क मतलब अगर शोहर उसके हुकूक नहीं दे रहा है, मिसाल के तौर पे रोज मारता है, रोज गाली देता है, हक नहीं दे रहा है, तो वो काजी के पास जाके निकाह फस्क कर सकती है, मतलब नलिफिकेशन ऑफ द मैरिज। होप दिस आंसर द क्वेश्चन सिस्टर। आपका कोई दूसरा सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, आप या दूसरी कोई गैर मुस्लिम खातून। आई वुड लाइक टू नो लिटिल मोर अबाउट द अहमदी सेक्ट, बिकॉज आई ओनली नो दैट दे बिलीव दैट
your Prophet Muhammad is not the last prophet to come. And so could you please tell me a little bit more about them? Bin ka sawal tha ki wo janna chahti thi ye Ahmadis kaun hai. Wo janti hai ki wo mante hai ki Muhammad sallallahu alaihi wasallam aakhri nabi nahi hai. Wo janna chahti hai. Ahmadi ek aisa firqa hai jo kehta hai ki Muhammad sallallahu alaihi wasallam aakhri rasool nahi hai. Quran ki ayat saaf kehti hai surah Ahzab ki surah number 33 آیت نمبر 40 میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولاخر رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں اور وہ اللہ کے رسول ہے اور وہ خاتم النبیین ہیں. اللہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے. اس سے معلوم پڑتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے اور آخری نبی تھے. لیکن نبی اور رسول کے درمیان فرق ہے کہ نبی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہوتے, انگلش میں کہیں گے پروفٹ. رسول وہ نبی ہے جس کے پاس رسالت بھی آ چکی ہے, جس کے پاس رسالت بھی آ چکی. دیٹ پروفٹ ہو ہیز بین گیون اے میسج ہی از کالڈ ایز اے میسنجر. لیکن جب اللہ فرماتے ہیں کہ آخری نبی, اس کا مطلب آخری رسول بھی, کیونکہ رسول ہونے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے. لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے, ہر رسول نبی ہے. تو اگر اللہ فرماتے آخری نبی تو اس کا مطلب آخری رسول بھی. لیکن احمدی لوگ, قادیانی لوگ کہتے نہیں نہیں, نبی کا مطلب جس کے پاس رسالت آئی پیغام آیا, رسول مطلب جس کے پاس پیغام نہیں آیا. تو ایک رسول کی جس کے پاس پیغام نہیں آیا وہ آنے والے ہے. اور کہتے مرزا غلام قادیان وہ رسول ہے, جو بالکل غلط ترجمہ ہے. وہ نبی اور رسول کو الٹ پلٹ کرتے, دے گیو ڈفرینٹ میننگ فار بوتھ. تو انہوں غلط معنی لے کے کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے, نبی مطلب اونچا درجہ ہے, رسول نیچے آتا ہے, اس لیے رسول آ سکتے ہیں. غلط ترجمہ کرتے اور کہتے کہ مرزا غلام احمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی رسول آئیں گے, ان میں سے ایک ہے مرزا غلام احمد قادیان, جو کفر ہے. کفر مطلب جو اسلام کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے, اللہ کے رسول کے خلاف ہے. دیٹ دا ریزن آئی سے دیٹ ڈیویٹڈ, وہ صحیح مسلمان نہیں ہیں. جو بھی کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول نہیں ہے, دے آر ڈوئنگ کفر, وہ مسلم ہو نہیں سکتے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. جی تو یہ تھی وہ ویڈیو جس میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیا کہ یہ بالکل غلط ہے, ایک فریب ہے, ایک دھوکہ ہے, کوئی بھی کسی کا مستقبل نہیں بتا سکتا. تو یہ ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیو تھی, مجھے انفارمیٹیو لگی ہے. اگر آپ کو بھی انفارمیٹیو لگی ہے تو کمنٹ سیشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے, اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا, میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا. ساتھ ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.